बंद होती है ना तो ये देखें हर तरफ बच्चे आ जाते हैं कुंडियां लेके मछलियां पकड़ने के लिए। ये देखें ये वो आगे भी खड़े हुए हैं, ये देखें। सूरज अभी थोड़ी देर में ही ग्रो होने वाला और ये काश्त की हुई है मकई मकई देखें। और मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, गांव में आया हूँ। इस गांव में ना लोग बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ काश्त करते हैं, कद्दू शरीफ हो गया और तिल हो गए, तिल भी काश्त करते हैं, दुआने भी, तरबूज जिसको बोलते हैं और खरबूजा और खीरे वगैरह और छली जो होती है मकई छली, पीछे मैंने आपको दिखाया छली भी यहाँ पे काश्त होती है, मकई उगाते हैं तो उसके ऊपर लगती है। और मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे ना सब्जियाँ काश्त करते हैं, आउट सीज़न वाली जो सब्जियाँ ना वो यहाँ पे काश्त करते हैं। सड़क पे जा रहे हैं ना, ये बन रही है, पहले तो कच्ची थी, अभी इसके ऊपर पत्थर डाल के और खाका डाल दिया, पतली पतली जैसा पत्थर बीच के डाल दिए, अभी ये पता नहीं कब बनती है। और पीछे तक सिद्धार्थपुर और ये गांव है, ये सिदम, ये देखें यहाँ से शुरू हो चुका है और यहाँ से चेक करते हैं। ये देखें ये ईंटें साथ लगाने के लिए ना रखी हुई हैं, ये देखें जितनी जितनी सड़क बनानी है ना उसके हिसाब से ये देखें लग रही हैं, ये देखें ये अभी लगाई नहीं, अभी नीचे से ना वो सेटिंग कर रहे हैं। ये तो अभी सड़क बन रही है, आगे पता नहीं रास्ता है या नहीं, चेक करते हैं। पिछली बार जो आए थे ना तो ये सड़क ठीक थी, अभी पता नहीं और पत्थर डाल रहे हैं, ये देखें ये कोई आगे से पता नहीं रास्ता है या नहीं, चेक करते हैं जाके। ये साइडों से उखाड़ के वो ईंटें लगा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं और आगे चेक करते हैं। रास्ता थोड़ा बहुत अच्छा, ज़्यादा नहीं, और मौसम भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। इस ऐसा मौसम है टेंशन नहीं होती, लग रहा रास्ता। ये देखें वो देखें आगे रूला पत्थर के ऊपर चल रहा है, ये देखें। नहीं जी मैं मोटरसाइकिल से नीचे उतर गया और पैदल चल के जाना पड़ेगा। वो मेरा दोस्त जा के खड़ा हो गया, मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल बन गया और फिर मेरे पीछे आ रहा है। इसके ऊपर ना जो चल रहा है इसको वाइब्रेशन से बिल्कुल लेवल कर दें फिर सड़क अच्छी बनती है। ये देखें अभी ये जो खाका डाला हुआ है ना इसके ऊपर अभी मोटरसाइकिल चल सकती है, अब आसानी से हम जा सकते हैं। पहले वो आगे तक ना इन्होंने पत्थर ही डाला हुआ था, बाद में अभी ये ऊपर खाका डाल दिए, वो आगे औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, वो सेटिंग कर रहे हैं जो मजदूरी करते हैं। ले जी ये भी सब्ज़ी काश्त की हुई है, वो देखें वो आखिर तक, और वो टैंकी है पानी वाली जो जहाँ पे पानी डाल रही है, ये देखें अभी बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे मट्टी नहीं उड़ती, ये देखें। और ये जो फसल है ना ये बाजरे की है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी फसल बाजरे की है, बच्चों से बाजरे होगी। और ये स्कूल है दूसरे गांव का, ये जो सामने गांव अभी आना है ना ये इस गांव का नाम है खुटियाला, खुटियाला विरका ऐसी है जी, खुटियाला विरका इस गांव का नाम है। और ये स्कूल है और इसके आगे हॉस्पिटल है,
गांव का। ये जी खुटियाला गांव से गुजर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएंगे आगे। यहाँ पे ना कोस्टरें भी होती हैं गांव वालों को लेके जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट जैसे समझ लें आप, गांव की मुरीद के लेके जाती हैं और वहाँ से वापस लेके आती हैं। किसी किस्म की टेंशन नहीं यहाँ। ये गांव से बाहर निकल कर ना ये गत्ते वाली फैक्ट्री आती है, जहाँ पे पुराना गत्ता आता है, वो आगे से आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप ढेर लगे हुए हैं, पुराना गत्ता आता है और नया पेपर बन के यहाँ से निकलता है। ये देखें, ये गत्ते वाली फैक्ट्री, वो देखे पेपर लोड हो रहा है और ये पुराना गत्ता सारा पड़ा हुआ है। और ये जो फैक्ट्री है ना, ये मुर्गियों की अद्वियात यहाँ पे बनती है। और ये सामने किंगडम वाटर पार्क है, अभी यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा आपको, यहाँ भी नहाते हैं आके हम गर्मियों में। और ये बाहर निकल आए हैं। और ये आप जो पीछे गांव देख रहे हैं ना, इस गांव का नाम है जी छोले वाला गांव का नाम है। और पता नहीं ये किस वजह से पड़ गया इस गांव का नाम ये नाम है ये जो पीछे गांव गुजर गया। अक्सर मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि शिवपुरा रोड भी हम जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना फैक्ट्रीज एरिया, इंडस्ट्री एरिया, यहाँ पे सेलर हैं चावलों वाले, और यहाँ पे गोश्त वाली फैक्ट्रियाँ हैं, हड्डी वाली फैक्ट्रियाँ, और भी बहुत बहुत किस्म की ना फैक्ट्री, ज़्यादातर यहाँ पे सेलर ही हैं। ये अनवार कॉरपोरेशन है ये, और बहुत ज़्यादा यहाँ इस रोड पे फैक्ट्री हैं। ये पीछे भी आप मेरे देख सकते हैं, ये पीछे आप देखें, और ये ट्रक काटा, यहाँ से ट्रक वगैरह बिल्डिंग के लिए जाते हैं। ये अभी मरीद के में एंटर हो चुके हैं, शेखपुरा रोड से नीचे उतरता ही है हमारे मोहल्ले को, जो सड़क जाती है ना हमारे घर को, यहाँ से ही उतरता ही। पहले भी ये चौंक आता है, ये देखें, ये भी ऊपर नाम लिखे हुए और ये भी ऊपर नाम लिखे, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जिधर किसी ने जाना है वो जा सकता है। अभी क्रॉस करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ कम होती तो क्रॉस करते हैं इस तरफ को मैंने जाना। और ये जो नहर है ये भी बंद हो चुकी है, नहर बंद होती है ना तो ये देखें हर तरफ बच्चे आ जाते हैं कुंडियाँ लेके मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये देखें, ये वो आगे भी खड़े हुए हैं, ये देखें।